जय श्री राम। मेरा नाम निकिता जायसवाल है और आज मैं आपके समक्ष श्री राम की उपर रचना पेश करना चाहूंगी। अयोध्या राज्य में जन्मे श्री महापुरुष की ये गाथा है जिनका नाम लेकर प्राणी मोक्ष प्राप्त कर जाता है। आज उनकी कथा सुनाने का अवसर मैंने पाया है। ऐसे महापुरुष का जीवन हमें त्याग समर्पण सिखलाता है। राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम की ये गाथा है। उनसा बलिदानी सज्जन कृपालु दयालु नहीं कोई जन्मा है। उनके मुख पे सूर्य सा तेज उनका व्यक्तित्व झलकाता है। हाथ में धनुष बाण है उनके जो शोभा उनकी बढ़ाता है। भरी सभा में शिव धनुष तोड़ सीता से ब्याह रचाया था। एक आदेश पर पिता की राज्य त्याग कर दिखलाया था। राज्य त्याग कर उन्होंने कर्तव्य पालन कर दिखलाया था। कर्तव्य पालन में उन्होंने 14 वर्ष का वनवास बिताया था। वनवास में सीता की वांछा पर स्वर्ण हिरण लेने जाते हैं। उसी समय रावण आ सीता को हर ले जाता है। अपनी सीता वापस पाने समुद्र सेतु निर्माण कराया था। रावण को मारकर उन्होंने सत्य का पाठ पढ़ाया था। कर्तव्य ऊपर रख उन्होंने पत्नी त्याग कर दिखलाया था। अपना सारा जीवन उन्होंने धर्म कार्य में लगाया था। उनकी प्रशंसा करने को मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसे मेरे श्री राम प्रभु की करुणामयी गाथा है। जय श्री राम।